आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रथम सोपान के 6 बेसिक नोट्स। तो आइए प्रथम सोपान के 6 बेसिक नोट्स सीखते हैं। चलिए तो सीखते हैं प्रथम सोपान के 6 बेसिक नोट। और नोट के लिए मैंने ले लिया है एक 3 फीट का रस्सी। तो हमारा जो पहला नोट है वो है बो लाइन नोट। बो लाइन नोट के लिए हमें अपने रस्सी का एक सिरा पकड़ना है। अब अपने एक सिरे को हम ऐसे टाइप का पकड़ेंगे, ये इस सिरे को, फिर इसको हम ऐसे गोल करना है। इसे गोल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे टाइप का फिगर आएगा। इसके बाद जो ये वाले पार्ट है, ये वाला, यहाँ ये वाला जो रस्सी है इसको ऐसे पकड़ना है, फिर इसको घुमा देना है। फिर ये वाला जो रस्सी है इसको भी घुमा दीजिए, फिर आपके सामने कुछ ऐसा टाइप का फिगर आएगा। इसके बाद आपको जो ये रस्सी है उसको इसके नीचे लेके जाना है, इसके अंदर से। फिर और ये जो यहाँ पे जो बना है सर्कल, उसमें इसको डाल देना है। फिर आप ये रस्सी और ये रस्सी को आप खींच दीजिए, ये आपका बन गया बोलाइन। उसके बाद अब जो दूसरा नोट है जिसका नाम है क्लो हिच नोट, उसको अब हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए भी हमें अपने रस्सी का एक सिरे का जरूरत है, तो दूसरा सिरा मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। अब ये जो सिरा है इसको ऐसे पकड़ना है, अब मैं अपने हाथ में करके दिखाता हूँ, ऐसे इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद जो इधर जो बच गया सिरा का भाग, उसको हम पकड़ना है और रस्सी के इस पार नहीं लाना है, उसको रस्सी के इस पार रखना है। और फिर यहाँ पे ऐसे राउंड लगाना है, इसको काटते हुए आएगा, इस रस्सी को जो है काटते हुए आएगा ये सिरा को। फिर ये जो बच गया पार्ट उसको इसमें घुसा देना है। ये घुसाने के बाद ये बन गया आपका ग्लो हिच नोट। हमारा तीसरा जो बेसिक नोट है वो है रिफ नॉट नोट। इसके लिए हमें अपने रस्सी का दोनों ही सिरा का जरूरत पड़ेगा। इसको हम हिंदी में डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। तो इसको हम, ये बहुत ही आसान है। इसके लिए अपने दोनों सिरा को ऐसे क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद जो हम नॉर्मल जो गांठ लगाते हैं वैसा गांठ यहाँ लगा दीजिए। फिर एक जस्ट अपोजिट उसी के उल्टा एक गांठ लगा दीजिए। चौथा नोट आता है फिशरमैन नोट। इसके लिए हमें अपने रस्सी का दोनों ही सिरे का जरूरत पड़ेगा। तो अब ये दोनों सिरे को पकड़ के ऐसे कर लेना है आपको, ये इधर का ये हो गया और ऐसे ही इस साइड का कर लेना है। फिर अब जो एक साइड है, एक साइड को छोड़ दीजिए और दूसरे साइड को, एक रस्सी को यहाँ पे जो नॉर्मल हम गांठ लगाते हैं या नॉर्मल जो नोट लगाते हैं वो यहाँ लगा दीजिए, नॉर्मल नोट जो हम लगाते हैं। ये मेरा लग गया है नॉर्मल नोट। अब वही चीज हमें अपोजिट साइड भी करनी है। अपोजिट साइड भी अपना एक नॉर्मल नोट लगा दीजिए, ये हो गया। अब कुछ ऐसे टाइप का आपके सामने फिगर आएगा। इसके बाद ये जो दोनों रस्सी है, ये वाला और ये वाला रस्सी, ये दोनों रस्सी को आपको खींच लेना है। फिर ये जो जो बेसिक नोट है उसका नाम है सीड बैंड नोट। इस नोट के लिए भी हमें अपने रस्सी का दोनों ही सिरा का जरूरत पड़ेगा। तो मैं पहले सिरे का इससे काम करता हूँ। पहला सिरा जो है, किसी भी सिरे को हमें ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे मोड़ने के बाद जो दूसरा सिरा है उसको इसमें अंदर से, जैसे अगर ऐसे रखा जाए इसको, तो इसके नीचे से इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको उंगली को ऐसे रखना है यहाँ, और ये वाला जो रस्सी है या ये जो सिरा है छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद इसको हमें यहाँ इसके नीचे से लाना है। यहाँ नीचे से लाने के बाद ये जो बीच में गेप बच रहा है, ये गेप में हमको इसे घुसा देना है। इसको घुसाने के बाद इन दोनों को खींच दीजिए, आपके पास ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ये हमारा सीट बैंड नोट। फिर जो छठवां और आखिरी
प्रथम सोपान का बेसिक नोट है उसका नाम है सी फ्लैंक नोट। इसके लिए भी हमें अपने एक ही सिरा का जरूरत पड़ेगा। तो अब इस सिरा को जो है हमें ऐसे टाइप करिए, एक बार यहाँ ऐसे कर लीजिए यहाँ पे, फिर ये बीच में कहीं पकड़ के फिर इसे यहाँ ले जाइए, ऐसे टाइप से कर लीजिए तीन बार, एक दो तीन, फिर इधर को सब छोड़ लीजिए और ये वाले जो रस्सी है उसको ऐसे राउंड कीजिए, और ये राउंड करने के बाद ये वाला जो उसको इसमें डाल दीजिए और इसे खींच लीजिए, ये फिर टाइट हो गया। फिर अब वही प्रोसेस हमें इस साइड करना है, लेकिन इस साइड जब हम करेंगे तो हमें इसका जो गोला है उसको इस साइड नहीं बनाना है, इस साइड बनाना है इसको ऊपर की ओर, और जो ये वाला है उसको हमें अंदर से नहीं बाहर से घुसाना है। तो आइए हम घुसाते हैं बाहर से, और ये घुसा दिए और ये बन गया सी फ्लैंक नोट। के जो सिक्स बेसिक नोट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप इन छह नोट का दिन में कम से कम दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर ही